कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा 51 सदस्यीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी के गठन के बाद कांग्रेस नेताओं को लेकर तमाम तरह की सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। राहुल गांधी की इस नई टीम में सोनिया गांधी के विश्वस्त रहे जनार्दन द्विवेदी को जगह नहीं मिली है। इसके अलावा कवि राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाने वाले दिग्विजय सिंह की भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी से छुट्टी कर दी गई है। हालांकि कुछ और बड़े नाम हैं जिन्हें राहुल की कोर टीम में जगह नहीं मिली है, लेकिन जो नाम सबसे ज्यादा चौंकाता है वो नाम है दिग्विजय सिंह का। इसे दिग्विजय सिंह का कांग्रेस में घटते कद के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस टीम में शामिल किया गया है। इसीलिए दिग्विजय सिंह को हटाए जाने से ये साफ है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही आगे लेकर चलेगी। कभी 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह से जब इस बाबत सवाल पूछा गया तो उन्होंने घटते कद की बात को नकारते हुए कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि राहुल गांधी ने नई टीम का गठन किया है, अब इसमें कौन शामिल है इस पर चर्चा व्यर्थ है। हालांकि एमपी कांग्रेस के कुछ नेता दिग्विजय सिंह के पक्ष में सफाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि दिग्विजय सिंह ने एमपी में सरकार के गठन की कोशिश को लेकर राहुल गांधी से खुद को वर्किंग कमेटी से हटाने को कहा है, लेकिन कांग्रेस नेताओं की इस दलील में दम नहीं दिखता, क्योंकि एमपी में शुरू हुई पार्टी की जन जागरण यात्रा के पोस्टर्स में भी दिग्विजय सिंह की तस्वीर नहीं है। इन पोस्टर में राहुल गांधी के साथ कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया और जीतू पटवारी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह इसमें नहीं है। जाहिर है सवाल तो उठेंगे ही। कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह के राजनीतिक कद को ये झटका तब दिया गया है जब एमपी में विधानसभा चुनाव करीब है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उन्हें नेताओं से कोऑर्डिनेट कर चुनाव में जीत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन राजनीति से संन्यास लेने के सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि चुनाव के बाद आगे की रणनीति पर काम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का जिक्र करते हुए कहा कि जब आडवाणी जी आज भी राजनीति में सक्रिय हैं, तो मुझे क्यों रिटायर हो जाना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने साफ किया कि वो चाहे कहीं भी रहें, अपनी अंतिम सांस तक पार्टी के लिए काम करेंगे। एमपी में कांग्रेस की हार के बाद दिग्विजय सिंह ने चुनावी सियासत से संन्यास का ऐलान किया था और दिल्ली आ गए थे। जल्द ही वो गांधी परिवार के करीबी बन गए। बिना किसी बड़े पद के बावजूद उनकी हैसियत गांधी परिवार के करीबियों में से थी। एक दौर था कि उनके पास एक साथ तीन तीन राज्यों का प्रभार हुआ करता था। उनकी पार्टी में कद इतना बढ़ चुका था कि उनके बयानों को पार्टी लाइन भी माना जाने लगा था। ये दिग्विजय सिंह ही थे जिन्होंने पार्टी से अलग बयान भी दिए, वो चाहे बटला हाउस एनकाउंटर को अपनी ही सरकार के खिलाफ जाकर फर्जी बताना रहा हो या फिर तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम के नक्सलियों पर दिए गए बयान को खारिज करना रहा हो। ये दिग्विजय सिंह की खासियत ही थी। सनातन धर्मी हूं और उनसे बेहतर धर्म का पालन करता हूं, और मैं कहता हूं संघी आतंकवाद, और वो संघी है कई जो पकड़े गए। मैं सब नहीं कहता सारे आरएसएस के लोग आतंकवादी नहीं हो सकते, लेकिन जो पकड़े जाते हैं वो क्यों केवल संघी के संघ से है, दूसरे क्यों नहीं है। आरएसएस के खिलाफ दिग्विजय सिंह के बयान से कांग्रेस को जरूर कुछ सुरक्षा मिलती रही होगी। बीजेपी और आरएसएस से मुकाबले में कांग्रेस को दिग्विजय सिंह ने ताकत दी। हालांकि गोवा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आने के बावजूद कांग्रेस की सरकार नहीं बना पाने का ठिकरा भी उन पर फूटता है।
कुल मिलाकर कह सकते हैं कि दिग्विजय सिंह ने एमपी में अपने शासन से ज्यादा स्वर्णिम दौर उसके बाप देखा और जिया है, लेकिन कांग्रेस का ये फैसला चौंकाता है। लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें एमपी विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार कर लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ। We'll be right back.